लोग आईडी भी जब अगर कोई गया उसका मुल्क भी आईडी पकड़ के जाने का, क्योंकि आईडी में सब वीजा सब देते हैं। तो गाइज मैं जैसा हम लोग जब कोई भी अपडेट देता है तो शायद आप लोग को बिलीव और विश्वास नहीं होता, बट यहाँ का लोकल जो शेख हैं दोस्तों इनका वीडियो मैं इसीलिए मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ ताकि आप लोग को एक विश्वास के लिए, बशर्ते दोस्तों हमें भी जानकारी थी, मैंने भी एक दो वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर बनाया है, बताया है कि इस तरह का चीज़ अगर आप करोगे और ये चीज़ नहीं लेकर जाओगे एयरपोर्ट के अंदर तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप यूएई नहीं आ सकते हो। तो पहले तो इनका पूरा वीडियो आप देख लेना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो भाई ने ये जो शेख साहब ये बताए हैं ये सच्ची जानकारी आपको दिए हैं कि इमरेट आईडी दोस्तों अगर आप नहीं लेके जाते हो, पहले क्या होता था हम लोग इमरेट आईडी नहीं लेके जाते थे, यहाँ कंपनी में छोड़ देते थे या दोस्त के पास छोड़ देते थे, तो अब वहाँ से आप एंट्री नहीं करा सकते क्योंकि पहले हमारा वीज़ा पे स्टम्पिंग होता था, अब बिल्कुल नहीं होता है। तो आप पासपोर्ट सादा लेके जाओगे तो एयरपोर्ट पर कैसे एंट्री होगा, इसीलिए आपको इमरेट आईडी लेकर जाओगे तो इमरेट आईडी में पूरा डिटेल होता है तभी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। शेख साहब भी यही बताए ताकि आप लोग इनका बात कर विश्वास करें। तो ये इन्फॉर्मेशन सर दोस्तों, और जो भी कन्फ्यूजन है जो भी सवाल है चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद। मेरे प्यारे भाई लोग, एक चीज हम तो भूल गया बोलने का, अभी आजकल भी अगर तुम लोग तुम्हारा मुल्क में भी जाएगा, बाहर जाएगा, कंट्री से भी, कौन सा कंट्री में भी, आप लोग का आईडी लेके जाओ, क्योंकि अभी पासपोर्ट में कोई वीजा मीजा नहीं रहता है। हाँ, सिस्टम में भी है, सिस्टम में भी हो सकता है जो यूएई का सिस्टम में, लेकिन बाहर सिस्टम हम नहीं जानते, लेकिन यूएई सिस्टम में होगा कि आप लोग के पास वीजा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आजकल आईडी सब चीज चलता है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग आईडी भी जब अगर कोई गया उसका मुल्क भी आईडी पकड़ के जाने का, क्योंकि आईडी में सब वीजा सब डिटेल है।